नमस्कार मित्रों, मेरा नाम पंकज है और आप लोग का मेरे चैनल बेसिक्स विद पंकज पे स्वागत है। आज हम लोग एडियम्स एंड फ्रेजेज का दूसरा लेक्चर करेंगे। ये पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट मेंस एसएससी सीजिल या और भी कोई भी एग्ज़ाम जहां एडियम्स एंड फ्रेजेज और सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में पूछा जाता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैक बर्नर, बैक बर्नर पहला आइडियम से हमारा मतलब कोई भी इशू डैट इज टेम्पोररीली नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब अभी इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है। जैसे कि आप सेंटेंस देख लीजिए, मैं अपने लिए बनाया हूँ, मेकिंग यू टू क्लास वन पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट मेंस इज बैक बर्नर एज इट्स प्रिलिम्स रिजल्ट हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड येट। अभी प्रिलिम्स का रिजल्ट नहीं आया है तो पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट मेंस का क्लास बनाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और आप लोग ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो है इडियम्स है बी से, बैक द रॉन्ग हॉर्स, मतलब टू सपोर्ट ए रॉन्ग पर्सन, ठीक है। इससे सेंटेंस बनाया है कि अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश आई ऑलवेज बैक द रॉन्ग हॉर्स इन रेस और कॉम्पिटिशन, ठीक है। तीसरा एडियम है बैक टू बैक, मतलब वन जस्ट आफ्टर अनदर, एक के बाद एक धड़ेले से। इससे सेंटेंस बनाया है कि राम स्लैप्ड सोहन बैक टू बैक या राम क्लियर्ड द कॉम्पिटेटिव एग्जाम बैक टू बैक या राम क्लियर्ड द मेनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम या सेवरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम बैक टू बैक। तीसरा है बैड ब्लड का मतलब होता है ओल्ड राइवलरी के इनमिटी, पुरानी दुश्मनी। आप अक्सर देखते होंगे पुरानी मूवीज़ में या साउथ की मूवी में दो गांव वाले हैं अपने प्रतिष्ठा के लिए, दो आदमी लड़ रहा है उनकी प्रतिष्ठा के लिए, पूरी गांव के लोग लड़ रहे हैं। इससे जो सेंटेंस बनेगा बैड ब्लड बिटवीन दीज टू विलेजेस कोई होंगे इज द मेन रीजन ऑफ देयर अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। सिंपल सेंटेंस बनाया तो देयर इज बैड ब्लड बिटवीन यू एंड मी, हमारे और तुम्हारे बीच में पुरानी दुश्मनी है। इट इज नॉट, यहाँ पे लगा लीजिए, इट इज नॉट going to sort out easily, इतना लंबा क्यों आप सेंटेंस बनाओगे, वो उतना काफ़ी है। बैड एग, अ बैड पर्सन, दैट गाई yesterday आई मेट अ गाई दैट सीम्स अ बैड एग, या दैट गाई सीम्स अ बैड एग, his behavior is not good, it seems that he is a bad egg, कुछ भी बना सकते हैं। barrel of laugh, to be funny, enjoyable, मस्तीखोर, इससे क्या sentence बनेगा। it is very difficult for me, बहुत मुश्किल है मेरे लिए to be barrel of laugh every time, हर समय enjoyable होना किसी के लिए भी मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल है। For me या एनी वन टू बी बैरल ऑफ लाफ एज लाइफ गोज थ्रू द साइकिल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, या कुछ भी आप उसको आगे बढ़ा सकते हो। बी इन द आई स्टॉर्म, टू बी इन द सेंटर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट, टू बी इन द सेंटर ऑफ डिसएग्रीमेंट, मान लो समथिंग कुछ भी हो रहा है आपको पसंद नहीं आ रहा है और आप जाते हो उसका विरोध कर देते हो और विरोध ऐसा करते हो या आप सेंटर में आ जाते हो, सबके लाइमलाइट में आ जाते हो, तो यही मतलब है उसका। इट इज नॉट इजी फॉर मी टू बी इन द आई ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ऑन एनी इशू फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के लिए मान लीजिए कोई मीटिंग हो रही है, आपको लग रहा है गलत है, मीटिंग में कोई मुद्दा बना और लग रहा है गलत है और आप जाते हो उसका विरोध करते हो तो बोला जाएगा ना यू आर इन द आई ऑफ अ स्ट्रॉन्ग। उसी से सेंटेंस बनाया है कि मेरे लिए आसानी है, इट इज नॉट इजी फॉर मी टू बी इन द आई ऑफ स्टॉर्म ऑन एनी इशू फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी बिकॉज मैनी पीपल क्या बोलते हैं गॉट एंग्री ऑन मी या कुछ भी करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इतना ही रख सकते हैं।
आठवां idioms है बियर फ्रूट टू बी सक्सेसफुल। एकदम सिंपल सेंटेंस बनाया, सेंटेंसेस को सिंपल रखने का प्रयास किया है। ऑलमोस्ट 6,000 aspirants विल बियर द फ्रूट इन द पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट प्री एग्जाम। सक्सेसफुल होंगे 6,000 aspirants prelims में। बियर पाम टू विन जीतना, CSK बोर द पाम ओवर गुजरात टाइटन्स इन IPL 2023। ठीक है, CSK जीत गया, टू विन कर गया, बियर द बोर द पाम ओवर द गुजरात टाइटन्स। बर्ड ब्रेंड स्टूपिड मोर्ख फुलेस फुलेस। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल एनी बर्ड ब्रेंड, कोई भी स्टूपिड और बेवकूफ़ आदमी को हैंडल करना बड़ा टफ है। बिग फिश एडियम्स, बिग फिश सुना है आपने, एन इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल पर्सन राकेश झुनझुनवाला वाज बिग फिश ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। देखो कितना सिंपल सेंटेंस है, ओके बारह हुआ, बिलो पार मतलब बिलो एवरेज सेंटेंस क्या बना इससे। परफॉर्मेंस ऑफ विराट कोहली इन IPL 2023 वाज बिलो पार, बिलो एवरेज ही था, अस्तर से नीचे था ना। ठीक है, बियर इन द माइंड टू कीप समथिंग इन द माइंड, ये आप लोग सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा होमवर्क आप लोग भी कर लें, अगर सेंटेंस बनाना है तो क्या बना सकते हैं, देखिए मदद कर ही देता हूँ। idioms and phrases are important for SSC. idioms and phrases are important for SSC CGL एग्जाम या पटना हाई कोर्ट मेंस एग्जाम। बियर इट इन माइंड, ध्यान रखो, बियर इट इन माइंड। हो गया सेंटेंस, ऐसे आप बनाएंगे। फिर 14वां, बर्ड्स आई व्यू अ हैस्टी लुक एट और ब्रीफ सर्वे ऑफ समथिंग, बोलते ना सरसरी निगाह से देखना, इससे क्या सेंटेंस बनेगा। आई जस्ट रेड दैट डॉक्यूमेंट, मान लो कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपने पूछा तो जवाब में आप क्या बोलो, क्या बोल रहे हो, आई जस्ट रेड दैट डॉक्यूमेंट, आई जस्ट रेड दैट डॉक्यूमेंट इन बर्ड्स आई व्यू मतलब सरसरी निगाह से देखा है। आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट टॉपिक इन वेरी डिटेल, ओके प्लीज गिव मी सम टाइम। 15वां, ब्लिंक ऑफ एन आई, बोलते ना एकदम झटके से क्षण भर में इंस्टेंटली, सी गेव मी रिप्लाई इन ब्लिंक ऑफ आई, ओके इस तरह से 15 जो है आपके idioms एंड phrases हो गए। और ये पूरा अल्फ़ाबेट बी से हुआ, इससे पहले मैंने अल्फ़ाबेट ए से लगभग 25 idioms एंड phrases कवर किया है, तो टोटल 40 हो गए। ऐसे ऐसे करते करते ए अल्फ़ाबेट ए से लेके अल्फ़ाबेट जेड तक के सारे idioms कवर कर दूंगा, अच्छे खासे idioms हो जाएंगे, sentence भी बना के आपके सामने लाइव दिखा दूंगा। धन्यवाद, आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए थोड़ा सा। ये अनफॉर्चुनेटली क्या स्पेलिंग गलत हो गया यहाँ पे, अनफॉर्चुनेटली, ओके टेम्पोररीली। ठीक है, बाय।